सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति पीला पक्षी पेड़ से पास है और गुलाबी पेड़ से दूर चित्र में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कौन लंबा है देखने में यह दूसरा बच्चा सोफे की वजह से लंबा लग रहा है तो कैसे जाने कि कौन लंबा है हमारे सामने फूल व तितली तथा पेंसिल बराबर हैं। आइए देखते हैं किसकी कितनी दूरी है कौन सा हल्का है और कौन सा भारी यह मेट और कालीन है अगर हम दोनों का वजन नापे तो कालीन भारी होगा और डोर मेट हल्का क्योंकि दोनों का वजन अलग अलग है आइए इस बेंच को कुछ अलग अलग चीजों से नापते हैं हम बेंच को सबसे पहले बिटे से नापते हैं सात बिता अब हम बेंच को लकड़ी से नापते हैं चार लकड़ी अलग अलग वस्तुओं से नापने पर नाप अलग आता है अब हम अपनी किताब से मेज फोटो फ्रेम और दरवाजा को नापते हैं दो किताब तीन किताब छह किताब हर बार किताब की संख्या अलग होगी ऐसा क्यों? आओ अनुज और राशिदा इस कमरे के एक छोर से दूसरे छोर को अपने कदमों से नापू सात कदम नौ कदम समान दूरी के लिए अनुज के सात कदम और राशिदा के नौ कदम ऐसा क्यों हुआ दोनों ही बच्चों के कदमों का नाप अलग अलग आया है क्योंकि दोनों बच्चों के कदमों की लंबाई में फर्क है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे दी गई दूरी की लंबाई में अंतर न आए? आएति सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट